हरियाणा सरकार ने 1 सितंबर से राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में चौथी और पांचवी की कक्षाएं शुरू करने का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कक्षाएं शिक्षा विभाग की ओर से जारी एसओपी के अनुसार ही चलेंगी। सभी स्कूलों को एसओपी का कड़ाई से पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक कक्षाओं के छात्रों को उनके माता पिता की पूर्व अनुमति के आधार पर ही स्कूल आने की इजाजत दी जाएगी। तो हरियाणा में 1 सितंबर से चौथी और पांचवी के स्कूल भी खुल जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल का हालांकि इस दौरान पूरा पालन करना होगा, सख्ती से पालन करना होगा। स्कूल आने के लिए छात्रों को अपने अभिभावकों की परमिशन लेना बेहद जरूरी है। ये स्कूल खोलने का फैसला प्रशासन सरकार की ओर से ले लिया गया है। 1 सितंबर से चौथी और पांचवी के स्कूल भी खुल जाएंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। साक्षी शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। साक्षी, क्या कुछ और अपडेट है? 1 सितंबर से चौथी और पांचवी के स्कूल खोलने को लेकर भी आदेश जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में अब 1 सितंबर से चौथी और पांचवी के स्कूल जो है वो खोल दिए जाएंगे। सरकार ने कुछ दिनों पहले ही पांचवी तक के स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर अधिकारियों से एक रिपोर्ट तलब की थी, और जिसमें अब रिपोर्ट के बाद जिस तरह से कोविड के केसेस लगातार कम हो रहे हैं उसके बाद अब एक बार फिर से चौथी और पांचवी के स्कूल खोलने का जो निर्णय है वो हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा ले लिया गया। हालांकि लंबे समय से इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, क्योंकि छठी तक के जो स्कूल है वो पहले छठी से आठवीं तक के स्कूल और बारहवीं तक के लिए पहले खोल दिए गए थे, और इसके बाद जब ये स्कूल खुले थे तब कुछ कोविड के केसेस जरूर आए थे और सरकार वैसे ये स्कूल पहले ही खोलने वाली थी, लेकिन स्कूलों में जब कोविड के कुछ केसेस आए फरीदाबाद में, करनाल में, उसके बाद सरकार ने विचार जरूर किया, और अब विचार करने के बाद जब अधिकारियों ने एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी उसके बाद इस रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि चौथी और पांचवी के। ठीक है साक्षी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी जुड़ गए हैं। कंवरपाल जी, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। सर, 1 सितंबर से चौथी और पांचवी के स्कूल खोलने को लेकर भी आदेश जारी कर दिए गए हैं सरकार की ओर से, क्या खास इस बार गाइडलाइंस रहेंगे? क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं चौथी और पांचवी में पढ़ने वाले, और कोरोना भी कभी भी फिर से एक बार फिर से स्थिति बिगड़ सकती है, ऐसे में क्या कुछ खास हिदायतें हैं इस बार? नहीं, अब हमने निर्णय ले लिया, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपसे कि हम जल्दी इस पे निर्णय लेंगे, और छठी से लेकर बारहवीं तक के स्कूल हमने खोल दिए थे। अगर ये सारा कुछ ठीक चलता रहा तो निश्चित तौर से हम छोटी क्लासों के स्कूल भी खोल लेंगे। तो वो निर्णय आज हमने ले लिया कि 1 सितंबर से हम चौथी और पांचवी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कंवरपाल जी, क्या इस पर दोबारा से भी एक बार विचार किया जाएगा, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे उसके बाद बहुत विचार विमर्श के बाद ही ये निर्णय हमने लिया है, और सुरक्षा के सभी उपाय जैसे पहले किए थे उसी प्रकार से किए। लेकिन सर, क्योंकि पहले भी देखा गया था कुछ एक स्कूलों में कई बार लापरवाहियां भी देखने को मिली है, भले ही बच्चे मास्क पहन के आते हैं लेकिन स्कूल के अंदर उस तरीके से पालन नहीं किया जाता। स्कूल जब खुलते हैं, शुरू होते हैं, तब कुछ दिनों तक पालन किया जाता है, उसके बाद फिर से सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा छात्रों को भी लगने लगता है, अध्यापकों को भी लगने लगता है, तो कहीं ऐसी लापरवाही दोबारा से ना हो, इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए भी कोई इस बार खास इंतजाम? नहीं, पूरा उसका ध्यान रखा जाएगा और पूरा ध्यान रखा भी जा रहा अभी भी जी। अभी भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, स्कूलों में रख के ध्यान रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कंवरपाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो कंवरपाल गुर्जर जो कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, जानकारी इन्होंने दी है कि अब सरकार ने बहुत ही विचार करने के बाद यह फैसला लिया है। 1 सितंबर से चौथी और पांचवी के लिए भी अब छात्रों को स्कूल आना होगा। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन इस दौरान किया जाएगा। किसी भी किस्म की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।